Hello students, how are you? Fine. So in our previous chapter we studied about squares. What are square? The multiple of a same number. When we multiply the same number with itself, we get square. जैसे कि a multiply by a square होता है. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, कुछ रूल्स देखे थे, फिर वो ऑड नंबर वाला रूल देखा था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम अदर पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर्स. सो जिस यहाँ पे जो पैटर्न है उसके अंदर जिसके भी बाद जो भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 आता है, जैसे कि यहाँ पे 25 हो गया, ये 35 हो गया, ये 75 हो गया, ये 125 हो गया, जैसे कि 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, तो जिसके भी पीछे यूनिट प्लेस पे 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान होता है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है. सो नाउ लेट अस सी, तो यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो 25 के यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो हम क्या करेंगे, पहले उस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 5 25 यहाँ पे लिख देंगे. ओके, क्या किया हमने, ये यूनिट प्लेस के 5 का स्क्वायर लिख दिया 25. फिर ये टेंथ प्लेस पे क्या है, उसके बाद जो भी प्लेस रहती है उस वो नंबर देखने का, क्या है यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 1 करने का 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 6, तो हम क्या करेंगे उसको 6 यहाँ पे लिख देंगे. ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 के प्लेस पे, यहाँ पे पहले क्या है 5, तो 5 का हमने 25 लिख दिया. ओके, और फिर 2, ये क्या है 2. ओके, 2 के बाद क्या आता है 6, 2 के बाद आता है 3, 2 प्लस 3 कितने होते हैं 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3, तो 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 6, तो हमने 6 लिख दिए. ओके, उसी तरीके से यहाँ पे 35, तो 5 का हमने लिख दिया 25, और 3 के बाद आता है 4, 4 3 जार क्या होता है 12, तो हमने 12 लिख दिया, 75 का 25 लिख दिया, फिर 7 प्लस 1 8, 7 8 जार 56, 12 13 जार 156, उस तरीके से हम लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे एक दिया हुआ है नंबर कंसिडर ए यूनिट प्लेस 5, दैट इज ए इंटू 5. ओके, सो ए 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ए प्लस 5 स्क्वायर. ओके, 10 ए प्लस 5 हो जाता है टेंथ प्लेस पे, इसीलिए तो 10 ए का क्या हो जाता है 10 ए इंटू 10 ए प्लस 1 प्लस 5 इंटू 10 ए प्लस 1. हमने क्या किया यहाँ पे 10 ए प्लस 5, 10 ए मल्टीप्लाई बाय 10 ए प्लस 5, फिर 10 ए को 10 ए को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ए प्लस 5, ओके, मल्टीप्लाई बाय वापस 10 ए प्लस 5, इस तरीके से लिखा हुआ है. ओके, 10 ए प्लस 5 इंटू 10 ए प्लस 5, फिर हमने क्या किया 10 ए प्लस 5 इंटू 10 ए प्लस 5, तो इस 10 ए को पहले इस ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस 5 को इस ब्रैकेट के फास्ट, तो 10 ए को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 ए इंटू 10 ए प्लस 5, फिर ये प्लस 5 को यहाँ पे रखेगा, फिर क्या होगा 10 ए प्लस 5, फिर 10 ए को अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो 10 टेन 100 ए स्क्वायर ए टू ए, उस तरीके से किया तो यहाँ पे देखो ए प्लस 1 100 प्लस 25, इस तरीके से हमारा आंसर आया. तो हम उस तरीके से जिसके यूनिट बेस पे 5 आएगा उसका आंसर हम ला सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 15, 95, 105, 205, तो उसका आप उस तरीके से ला सकते हैं. नाउ अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 3 नंबर. ओके, ट्रिपलेट्स हम किसे बोलते हैं कि जब 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, जैसे कि ट्विन्स होते हैं, 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो क्या बोलते हैं ट्विन्स. ओके, फिर 3 बच्चे होते हैं तो ट्रिपलेट्स बोलते हैं, फिर 4 बच्चे एक साथ होते हैं, कभी रेयर केस में होते हैं तो क्या होते हैं क्वाड्रोप्लेट्स बोलते हैं. तो वैसे 3 मतलब क्या होते हैं ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स मतलब अ ग्रुप ऑफ 3. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग. आपने पाइथागोरस थियरम अप्लाई किया था, कौन सा था पाइथागोरस थियरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ओके, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25, दैट इज 5 स्क्वायर. द कलेक्शन ऑफ नंबर 3, 4 एंड 5 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट.
सिक्स एट एंड टेन, जिसमें बड़ा वाला नंबर होगा वो बाद में आएगा, जैसे कि सिक्स स्क्वायर 36, एट स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 क्या होगा 10 स्क्वायर दैट इज 100। ओके, तो ग्रुप ऑफ थ्री नंबर उसके अंदर क्या होगा, द स्मॉलर टू एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर टू नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। ओके, जैसे कि ये दोनों छोटे नंबर कौन से है, देखो 55 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 5 स्क्वायर, छोटे नंबर है और 13 बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर। तो द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर टू नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ऐसा होगा, तो 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 कितने हो गए 169, दैट इज 13 स्क्वायर। ओके, तो 5, 12 और 13 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, नाउ कैन यू फाइंड सच ट्रिपलेट्स, दूसरे आप ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हो ऑफ एनी नेचुरल नंबर दैट इज लेस दैट इज ग्रेटर देन 1। वी हैव 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 होल स्क्वायर, सो 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे एक नंबर दे दिए 2m होल स्क्वायर, ओके 2m होल स्क्वायर दे दिया एक नंबर, 2m होल स्क्वायर कोई नंबर है प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, ये क्या है आपका फॉर्मूला है यहाँ तक का। ओके, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा, अंडरस्टूड, जिसे आपको याद करना है ये एक्चुअली, जिसके अंदर 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्राई टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूजिंग दिस फॉर्म, तो इस फॉर्म को यूज करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढिए। नाउ राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर मेंबर इज 8, स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा है 8, तो 8 क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1 द स्मॉलेस्ट नंबर होगा, फिर 2m होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, सो वी गेट एम स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, तो ये 1 होगा इस साइड आएगा, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 दैट इज 9, तो m इज इक्वल टू 3 आ गया, एक नंबर हमारे पास है m इज इक्वल टू 3, तो 2m क्या होगा 3 टू जार 6, एम प्लस 1 इज इक्वल टू 10। नाउ द ट्रिपलेट इज 6 8 एंड 10, ट्रिपलेट क्या है 6 8 और 10 है, बट 8 इज नॉट द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस, सो लेट अस ट्राई 2m इज इक्वल टू 8, 2m इज इक्वल टू 8 है तो m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, वी गेट m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 15 और m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17, द ट्रिपलेट इज 8 15 एंड 17 विथ द स्मॉलेस्ट मेंबर 8, तो ये स्मॉलेस्ट मेंबर आ गया। ओके, उस तरीके से आप चेकआउट करके फाइंड कर सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को बाद में। नाउ फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच द वन मेंबर इज 12, कोई भी एक मेंबर 12 है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, जिसके अंदर से हमने m फाइंड कर दिया, फिर m फाइंड करने के बाद क्या करेंगे हम, m फाइंड करने के बाद नाउ वी कैन ट्राई एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करेंगे, फिर m फाइंड करेंगे और फिर ट्रिपलेट ढूंढ लेंगे इजीली। ओके, नोट नोट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट मे नॉट बी ऑप्टेड यूजिंग दिस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल द ट्रिपलेट इज 5, 12 एंड 13 ऑल्सो हैज 12 एज अ मेंबर, तो 5, 12 और 13 के अंदर 12 मेंबर है। ओके, तो ये नहीं भी मिल सकते, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूला से मिले। नाउ 6.2 एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको सॉल्व करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जिससे स्क्वायर को फाइंड करना है, तो आप कर सकते हो ये 30 प्लस 2 द होल स्क्वायर 35 का, आप 25 वाले मेथड से, ये 90 माइनस 4 से, ये 90 प्लस 3 से, 70 प्लस 1 से, ये 50 माइनस 4 से आप फाइंड कर सकते हैं, वो पहली मेथड थी ना, जो ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस वाली मेथड से। राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट उस वन मेंबर इज ये मेंबर है, उसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढो, तो आपको इजीली अवेलेबल है कौन सा था 2m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नाउ स्क्वायर रूट्स की बात आई। ओके, वी गन नो अबाउट स्क्वायर रूट्स, तो वॉट आर स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉट कुड बी द स्क्वायर साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर की साइड क्या होगी। ओके, तो हम पाइथागोरस हम देखो, वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, इफ वी एज्यूम ए देन 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ए, साइड साइड का मेजरमेंट अगर ए हो तो ए का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इट इज नेसेसरी टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर
हुज स्क्वायर इज 144। तो अगर ए साइड फाइंड करनी हो तो हमें 144 किसका स्क्वायर है वो नंबर ढूंढना होगा। ओके सो देन विद द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 8 सेंटीमीटर। तो कोई लेंथ ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर है ओके तो उसकी डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस वाला मेथड है उससे फाइंड कर सकते हो। ये यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो 64 प्लस 64 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 128 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगेन ए सी वी थिंक द नंबर हुज स्क्वायर इज 124। तो ऐसा नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर 128 है। तो हमें वो रूट नंबर फाइंड करना होगा। इन अ राइट ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अ साइड आर रिस्पेक्टिवली 5 एंड 3 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस और कोई एक साइड है वो 5 एंड 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड का मेजर क्या होगा। तो पाइथागोरस से हम एक्स स्क्वायर तो फाइंड कर दिया हमने ओके, पर एक्स क्या है, हमें मेजर एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। साइड का स्क्वायर क्या है हमें लेना देना नहीं है, साइड का एक्चुअल मेजर क्या है उससे लेना देना। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। जैसे कोई भी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आता है, तो उसका उल्टा करना होता है जब। तो ऐसे दो नंबर फाइंड, ऐसा नंबर फाइंड करना है, कोई नंबर है तो दो ऐसे मल्टीपल का मल्टीप्लाई फाइंड करना होगा कि वो नंबर आए। जैसे कि कोई नंबर है एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है ओके। एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो है, पर एक्स क्या है वो ढूंढना होगा। जैसे कि 625 हमें पता है, पर वो किसका मल्टीप्लीकेशन है तो हमें ढूंढना है 25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 किस तरीके से आया, वो मेथड है। सो द इनवर्स और ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ द एडिशन इज सब्ट्रैक्शन एंड द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज डिवीजन। सिमिलरली फाइंडिंग द स्क्वायर इज इनवर्ट ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग का इनवर्स क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। जैसे कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देयर फोर द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 1 का स्क्वायर रूट होगा 1। 6 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। -9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9 एंड -9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या है, 9 और -9 दोनों है। नाउ 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। द स्क्वायर व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121? 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या होगा, 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा ओके। उसी तरीके से 196, 14 इंटू 14 196। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 196? तो 14 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196। थिंक एंड से -1 स्क्वायर इज 1। इज -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1? तो -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। -9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इज -9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 81? यस, -9 एंड +9 दो आर द स्क्वायर रूट ऑफ 81। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स देन ओके। नाउ अबोव यू मे हैव सीन द टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन दिस चैप्टर। वी शैल टेक अप ओनली पॉजिटिव रूट्स ऑफ द नंबर। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दिस ओके, डिवाइड टाइप सिंबल। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। हम कैसे रीड करेंगे इसको, ऐसा दिया हो अगर ये वाला सिंबल तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 नॉट -2। हम पॉजिटिव वाला देखेंगे ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 नॉट -3 एटसेट्रा। तो हम पॉजिटिव साइड देखेंगे आज ओके इस चैप्टर के अंदर। नाउ स्टेटमेंट्स, तो जैसे हमें स्क्वायर वाला जो दिया था उस तरीके से स्क्वायर रूट वाला भी दिया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 4 इज 3। तो यहाँ पे इंटरफेस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, 25 इज 5, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन से किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो आपने वो वाला रूल पढ़ा था कि स्क्वायर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज द एडिशन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 से लेके हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 1 से लेके हम एक 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 ऑड नंबर माइनस करते रहेंगे ओके। तो जितनी बार हमने माइनस किया वो हमें लिख देना है सिर्फ ओके, तो उसका हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 81 दिया हुआ है ओके। तो फर्स्ट एक बार हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर में 81 माइनस 1 तो 80 आया, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 80 माइनस 3 77, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप 77 माइनस 5 72 72 माइनस 7 65, एक एक ऑड नंबर माइनस करो, लास्ट में हमारे पास क्या आया, 17 और फिर 0 आ गया आंसर में।
टोटल कितने स्टेप हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 स्टेप आए, 9 ऑड नंबर हमने माइनस किए। ओके, इसका मतलब तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसका स्क्वायर रूट इस तरीके से रिपीटिंग मेथड से आ सकता है, तो हम उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ ट्राई, कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग द सेम मेथड? यस, बट इट विल बिकम अ टाइम कंज्यूमिंग। तो जब नंबर बढ़ जाते हैं, बड़ा नंबर हो जाता है, ओके, तो इस तरीके से अगर माइनस करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। ओके, तो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, तो दूसरी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन की। ओके, ये सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हमने पढ़ ले। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या था कि एक 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 वन से लेके जितने भी ऑड नंबर है वो माइनस करने का, और जितने भी स्टेप होते, जैसे कि हमने 10 ऑड नंबर माइनस किए तो 10 उसका स्क्वायर रूट हो गया, 15 ऑड नंबर माइनस किए तो हमने 15 उसका स्क्वायर रूट हो गया, हमने समझो कि 12 ऑड नंबर्स माइनस किए तो उसका स्क्वायर रूट नंबर का क्या हो जाएगा, 12। ओके, तो बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि 40,000 उसका स्क्वायर रूट निकालो सब्ट्रैक्शन मेथड से। ओके, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो? तो इतने बड़े नंबर का अगर माइनस मेथड से करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसीलिए हमने दूसरी मेथड देखी। अब हम दूसरी में फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं। ओके, जैसे कि 6 क्या है 2 × 3, 8 क्या है 2 × 2, 12 क्या है 2 × 2, 2, 2, फिर 15 क्या है 2 × 5, उस तरीके से 36 का हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, ओके स्क्वायर, फिर 64 का 2 × 2 × 2, 6 टाइम्स। ओके, नाउ 144 का 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3, उस तरीके से 225 का 3 × 3, 5 × 5, हाउ मेनी टाइम्स 2 अकर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6? 2 कितनी बार आया? 2 बार ही, 1 बार आया, पर उसके स्क्वायर के अंदर कितनी बार आया? 2 बार आया। ओके, जो भी नंबर यहाँ पे एक बार आता है उसका डबल यहाँ पे आता है, 2 बार आता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2 एक बार आया तो उसके स्क्वायर के अंदर वो 2 बार आया, यहाँ पे 3 एक बार आया, 3 वन टाइम आया तो उसके स्क्वायर के अंदर 3 2 बार आया, फिर इसके अंदर 2 है वो 3 है। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितने हो जाएंगे, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे 6 टाइम्स आएंगे देखो। ओके, फिर यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 4 बार आएंगे। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ पे 2 बार आएंगे। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ पे 2 बार। यहाँ पे 5 एक बार है, तो यहाँ पे 2 बार। तो देखो यहाँ पे पेयर बन रही है सभी के नंबर की, 2 × 2 मतलब कि 2² × 3 × 3 मतलब कि 3² तो 36 = 2² × 3². ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा, वापस 6 हो जाएगा, तो इसलिए हम फिर 2 × 3 और स्क्वायर साइन निकाल देंगे तो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। सिंपल पेयर बनानी है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखो, यू विल फाइंड ईच प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इन अ प्राइम नंबर ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज अकर ट्वाइस द नंबर टाइम्स इट अकर्स इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर इटसेल्फ। तो जैसे यहाँ पे जो रूट नंबर होता है उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के जितने नंबर होते हैं उसके स्क्वायर के अंदर उससे डबल होते हैं। ओके, जैसे हमने अभी देखे, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू जस्ट मेक अ पेयर्स। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन स्क्वायर नंबर दैट इज 324। तो देखो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 162 2 81 3 97 3 9 3 3। ये तो कर दिया हमने। ओके, नाउ पेयर बनाइए हम 324 की, फिर यहाँ पे 3 1 आएगा। ओके, 3 3 और 3 1, ये वाला पोर्शन नहीं लिखा है जनाब ने, तो यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो 324 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो चलो पेयर बनाएंगे तो 2² × 3² × 3² ओके, क्या हो जाएगा 2² × 3। ये देखो पेयर बना दी हमने, दो दो नंबर की एक जैसे नंबर की, तो 2 3 और 3 पेयर ही बनानी है। ओके, 3 4 बार आता तो साथ में नहीं लिखने का, दो दो की पेयर ही बनानी है। ओके, 2² × 3² × 3² = 2 × 3 × 3² तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 6 × 3 = 18 तो 324 √324 हमें फिर जो स्क्वायर की साइन है वो निकाल देने की है, तो क्या बन जाएगा 2 × 3 × 3 दैट इज 18। ओके, उसी तरीके से देखो 256 का किया हुआ है, तो सेम टू सेम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और फिर लिख दिए नंबर सारे, पेयर बना दी और फिर उसका स्क्वायर लिख दिया 256 = √256 = 2 × 2 × 2 × 2 = 16। 48
इज 48 परफेक्ट स्क्वायर, 48 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो 3 पेयर में नहीं है इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो पेयर में होता है वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। पर अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 144। तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई इस नंबर को करेंगे तो इसकी पेयर बन जाएगी, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो इस नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपली। ओके, तो उसी तरीके से हम देख रहे हैं आगे क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो 6400 का, तो चलो 6400 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको आता ही है सिंपली। नाउ लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सबको पेयर बना दी सबके 64, 6400 स्क्वायर रूट ऑफ 6400 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया मल्टीप्लाई करके 80। ओके, नाउ 5 नंबर इज 90 परफेक्ट स्क्वायर, 90 परफेक्ट स्क्वायर है तो 90 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 3 सिर्फ क्या है, खाली सिर्फ 3 ही है जो पेयर में है, 2 और 5 पेयर में नहीं है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर इसका देखो 2, 3, 5, 2 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 2, 3, 5, 2 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे फाइंड स्क्वायर रूट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने फैक्टर्स फाइंड कर दिए, फिर फैक्टर्स लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई 2 ये पेयर बन रही है, 2 मल्टीप्लाई 2 ये पेयर बन रही है, 3 की पेयर नहीं बन रही और 7 की पेयर बन रही है। तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2, 3, 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 के साथ, ये दूसरा 3 हमने जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और फिर 7 की पेयर। तो कौन सा नंबर होगा नज़दीकी नंबर, उसके साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7056 बन जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 19408 डिवाइडेड। तो हमें डिवाइड करना है, तो हमने जैसे यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई किया वैसे एक नंबर यहाँ से जैसे 3 है वो निकाल देंगे, जो अकेला रहता है अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, जो अकेला है उसके साथ उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पर डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, जो अकेला रहता है उसे निकाल देंगे। ओके, तो सेम टू सेम 9408 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ऐसा नंबर हमें मिल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे कौन सा अकेला रहा, 3, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करेगा तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। ओके, तो 9408 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1336 इज इक्वल टू, ही यहाँ से देखो 3 निकल गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यस, वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 13136 स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 विच इज 56। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर विच इज डिवाइडेड बाय ईच द नंबर ऑफ 6, 9, 15। तो ऐसा कोई स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालो जो तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो तीनों से डिवाइड कौन सा हो सकता है, 6, 9, 15 से डिवाइड कौन सा हो सकता है, तो एलसीएम होगा जो वही तीनों से डिवाइड हो सकेगा। तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकाला, तो आंसर क्या आया, 6, 9 एंड 15 का एलसीएम, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 90। ओके, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 तो पेयर में है पर 2 और 5 पेयर में नहीं है, तो उसे वापस मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। सो सी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5 आर नॉट इन पेयर, सो 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड 5, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करने का, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो इन ऑर्डर टू परफेक्ट स्क्वायर 90 शुड बी मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 10। सो द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर विल बी क्या आएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 900 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 900 होगा। ओके, तो उसी तरीके से आपको 6.3 सॉल्व करनी है। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी 6.3। नाउ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिविजन मैथड, तो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मेथड हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका जो दूसरा जो वीडियो आएगा जिससे, तो वो मैं आपको वापस शेयर करूँगा। ओके, पर चलो ये देखते हैं, व्हेन
द नंबर आर लार्ज इवन द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बिकम्स लेंथी एंड डिफिकल्ट। तो नंबर अगर हजार तक 10,000 तक हो तो अगर हम निकाल भी सकते हैं, लाख 1.5 लाख ऐसे नंबर हो तो फिर क्या करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम उससे क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, LDM मेथड जिसे बोलते हैं। फॉर दिस वी नीड टू डिटरमाइन अ नंबर ऑफ डिजिट्स इज अ स्क्वायर, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे नंबर 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है, 31 का स्क्वायर 961 है, 32 का स्क्वायर 916 है, 31 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर है 1024 है, 99 का स्क्वायर 9801 है। तो देखो 10 है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का स्क्वायर है, बट 1 है वो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, वैसे 31 का स्क्वायर जो है 1961 वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का स्क्वायर है, फिर 32 का स्क्वायर हो जाता है वो 124 हो जाता है, ओके, विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर, फिर 99 का स्क्वायर 9809801 वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का, फिर 99, फिर उसके 100 का 10,000 हो जाएगा, तो वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या हो जाएगा, फिर 9900 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, वो ग्रेटेस्ट वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज 100 विच इज द स्क्वायर ऑफ 10, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज 961 विच इज द स्क्वायर ऑफ 31, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट स्क्वायर इज 1024 विच इज द स्क्वायर ऑफ 32, एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9801 विच इज द स्क्वायर ऑफ 99। कैन वी से दैट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ n डिजिट, देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव n बाय 2 डिजिट इफ इवन डिजिट, देन n प्लस 1 बाय 2 इफ n ऑड। तो ऐसा बोल सकते हैं कि देखो 3 डिजिट होगा, 3 डिजिट का स्क्वायर होगा कोई भी, इफ यू कैन से दैट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज n डिजिट, तो परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का अगर n डिजिट का हो तो उसके स्क्वायर रूट का नंबर क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट कितने डिजिट के होंगे, तो n बाई 2 के होंगे अगर इवन हो तो, और ऑड हो तो n प्लस 1 बाई 2 हो गए। जैसे कि देखो ये नंबर ऑफ डिजिट 4 है, 1024, ओके, वो किसका है, स्क्वायर रूट 32 का, तो वो इवन नंबर में है तो कितने 4 बाई 2, तो 2 डिजिट आ गए, 32 के 2 डिजिट है। जैसे कि 100 है तो n प्लस 1, चलो 4 n प्लस 1 मतलब कि 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट मतलब कि n प्लस 1 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, तो वो 10 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने की मेथड है, दूसरा कुछ है नहीं। ओके, तो इस तरीके से हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल समझेंगे दूसरे सेशन में। ओके, नाउ कंसीडर अ नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 फाइंड करने के लिए एक स्पेशल मेथड है। ओके, तो इस तरीके से हमने जैसे डिवीजन के फॉर्म में लिखते थे वैसे लिख देना है, फिर क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यूनिट प्लेस से, जो यूनिट प्लेस कौन सी है इसकी, यहाँ से दो दो की पेयर के नंबर बनाने हैं, जैसे कि 529 तो दो की पेयर बना दी, ओके 29, फिर बाकी जो बचता है दो दो की पेयर बनाते आना है, और तो फिर लास्ट में एक नंबर बचेगा या दो नंबर बचेंगे, तो बार बना देंगे दोनों के पेयर में। ओके, फिर ऐसे पहला जो नंबर होता है ऐसा कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा उसी के साथ, उसका स्क्वायर उसके अंदर अंदर आना चाहिए, जैसे हम डिवाइड में करते हैं कि उससे कम वाला नंबर, तो 5 से कम कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 से कम है 4 और 5 से ज़्यादा है 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो हम 9 तो ले सकते नहीं है माइनस करने के लिए, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 2s are 4 और बाकी क्या रहा 1, और फिर ये पूरे का पूरा बार के अंदर जो भी डिजिट है वो सारे के सारे उतार देने के, तो नीचे क्या आ जाएगा 129। अब मेथड क्या है बता, यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपने जो नंबर लिखा उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर नीचे यहाँ पे लिख देना है, क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो नंबर है ये वाला उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर कहाँ लिखना है यहाँ लिख देना है। ओके, यहाँ लिख देना है। नाउ सी,
अब क्या होता है, क्या करना है वो मैं दिखाता हूँ। फिर इसके बाजू में एक ब्लैंक बना देनी है, मतलब कि डैश, वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो कौन से नंबर से यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे तो उसका ये डिवीज़न हो सकेगा। तो देखो जरा 41 लिखते हैं तो 41, ओके, कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसका, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 9 है, वो किसका स्क्वायर होगा, 33 का, तो 33 जा लिख देते हैं। 42 जा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर ही लिखना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखो वही यहाँ पे नंबर लिखना है। तो 41 1000, तो 41 ही हो गए। 42 2000 84 हो जाएंगे। 43 3000 कितने हो गए, 129, तो हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है वो और यहाँ पे जो नंबर है वो दोनों सेम होने चाहिए। कौन से नंबर सेम होने चाहिए, ओके, यहाँ पे जो नंबर्स है वो और यहाँ पे जो नंबर है वो, ये दोनों जो नंबर लिखेंगे वो सेम होने चाहिए। तो उस तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 43 2 3 129 आ गया, तो लिख देंगे हम कि 24 5 29 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 23 का। उसी तरीके से हम दूसरा नंबर लिखते हैं, ओके, उसी तरीके से हम दूसरा नंबर लिखते जाते हैं 4096। तो चलो 4096 पीछे से बार बना दिए, तो पहले 96 का आया, फिर 40 का आया, ओके, बार बना दिए। फिर यहाँ पे 40 है, 40 कौन सा होगा, 40 कहाँ पे नंबर आता है, 6 स्क्वायर 36, फिर 7 स्क्वायर 49, तो छोटा वाला कौन सा होगा, 6 स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 6 6 36 माइनस 4 36, 40 माइनस 36 4 आ गया। फिर 96 पूरे का पूरा नीचे उतार देंगे, ओके। फिर 6 6 2 12, तो यहाँ पे क्या 6 6 2 12, तो हमने 12 लिख दिया, ओके। 496 ऐसे के ऐसा 12 120 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं आएगा 122 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, 244, ये भी नहीं आएगा। 123 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या होगा, वो भी नहीं आएगा। 124 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 496। तो इसीलिए 4096 का स्क्वायर क्या है, ये यूनिट प्लेस देखने का। सबसे पहले हमारा जो पहले वाला ऑप्शन था ना, हमने समझाया था, बताए कि जिसके यूनिट प्लेस पे 4 आता है या 6 आता है तो उसके स्क्वायर के पीछे भी 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस में क्या है, 6, तो बिंदास हमें याद रखने का, या तो यहाँ पे 4 आएगा या तो फिर यहाँ पे 6 आएगा, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इजी मेथड है, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तो नंबर है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ रह जाएगा। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा, नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 2 3 या कुछ आएगा, ओके। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। नाउ ट्राई दिस, या सपोज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 1296, तो उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो इजीली। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइन एटलीस्ट द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो दैट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलो 5607 लिख दिया हमने, डबल डबल पेयर बना दिए, 7 556 है तो क्या आएगा, 6 6 36, 7 7 49, 7 7 49 और 8 8 64, तो 56 क्या है, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में, तो 7 7 49 लिख दिया। बाकी क्या रहा, 7 07 नीचे उतर दिए, यहाँ पे 7 2 14 लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे 7 है, किसी की भी स्क्वायर में 7 आता है नहीं आता है, तो -1 कर दो, 6 आता है, हाँ आता है, किसी के भी स्क्वायर के पीछे यूनिट प्लेस पे 7 नहीं आता है सिंपली, तो 6 आता है 6, तो यहाँ पे लिख दो 144 मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ पे 4 लिख दो, 144 मल्टीप्लाई बाय 4 सीधा 131, तो 131 अगर उससे माइनस करेंगे, 131 उसके अंदर से नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा, तो 5607 माइनस 131, तो 5476 आ जाएगा। 5476 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऊपर नंबर आ गया हमारे 74, इजी मेथड, ओके। तो हमें क्या रखना है याद, हमें याद रखना है कि कौन से नंबर 129 जो 029 नंबर है उसके यूनिट प्लेस में अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है, बस यही याद रखना है। चलो एक वापस सॉल्व कर सकते हैं, 9999 यहाँ पे क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमें कौन सा पता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, ओके, 9999, तो हमने बिंदास लिख दिया 9999। चलो फिर दो दो की पेयर बना दी, यहाँ पे 99 है तो 9 स्क्वायर 81 और 100 स्क्वायर 100 के बीच में है, तो सीधा 9981 लिख दिया। बचा क्या, 18 बचे, पीछे 99 है, 99 उतार दिए, यहाँ पे 9 2 18 लिख दिए। अभी यहाँ पे 9 होगा नहीं, पर 8 9 होगा नहीं, 8 हो सकता है,
हाँ हो सकता है, एट किसका स्क्वायर है, हाँ एट किसी का स्क्वायर नहीं है, फिर सिक्स, सिक्स किसी का स्क्वायर है, तो चलो सिक्स से मल्टीप्लाई 186 इंटू सिक्स करो तो बहुत छोटा आ जाता है, पर 189 इंटू नाइन करेंगे तो आ जाएगा। तो ये चेकआउट भी करना होता है, तो 189 इंटू नाइन किया तो 198 आ गया, 1701 आ गया, बचा क्या 198, तो उसमें से 198 माइनस करेंगे तो 189801 आ जाएगा आंसर, तो वो 99 का स्क्वायर है। कहाँ से पता चला, यहाँ से। ओके, उसी तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 12 देख सकते हो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 देख सकते हो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, फाइंड द नंबर एटलीस्ट टू बी एडेड टू 1300 सो दैट वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1300 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड द रिमाइंडर इज 4। लॉन्ग डिवीजन मेथड की तो रिमाइंडर क्या आता है, 4। नाउ इट शोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज लेस देन 1300। तो 36 का जो स्क्वायर है वो छोटा है 1300 से, बट उसके बाद वाला 37 का स्क्वायर क्या है, 1369, तो वो बड़ा है। तो 37 का स्क्वायर में से 1300 माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, जिसको हम 1300 से ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 37 का स्क्वायर जो होगा। तो 37 स्क्वायर माइनस 1300 दैट इज 1369 माइनस 1300 दैट इज 69, तो ये मिल जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल हम वापस भी सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, तो वो भी सेम ही करना है हमें, मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड ही जैसा ही करना है। ओके, जैसे कि 1764 है तो पहले बार बना दो इवन नंबर्स के, मतलब इवन नंबर्स नहीं पेयर्स के बार बना दो, यहाँ पे 4 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, तो 4 स्क्वायर लिख देंगे हम, 16 1 आया, फिर दोनों निकाल दो। अब जहाँ पे डेसिमल आता है, जहाँ पे आप डेसिमल यूज़ करते हैं, ऊपर डेसिमल रख दो। अगर अभी मैंने यूज़ किया डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल रख दिया हमने, ऊपर रख दिया डेसिमल, बराबर। अब वापस ये 64 नीचे उतारो, 64 नीचे उतारा, 4 2 8, अब क्या करेंगे हम, 82 2 164, बस सेम टू सेम है। यहाँ पे खाली याद ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ पे हमने पॉइंट के आगे की चीज़ उतारी वहाँ पे चीज़ उतार देनी। ओके, अंडरस्टूड? नाउ जहाँ पे हमने पॉइंट के बाद वाली चीज़ हमने नीचे उतारी, ओके, उसी टाइम में हमें पॉइंट ऊपर लगा देना है, बस सिंपल ये चीज़ याद रखनी है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1225, तो क्या करेंगे, 1 2.25 वापस लिख देंगे, 3 स्क्वायर 9, ये पेयर बना दिए, 3 स्क्वायर 9, 3 25 नीचे था, इससे इस टाइम में हमने 25 पॉइंट के बाद वाली चीज़ नीचे उतारी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे 3 के बाद, वापस 65, 6 है, 3 2 6, 65, 5 325, 00 क्या होगा, 3.5। उस तरीके से आप एग्जांपल नंबर 14 और 15 देख सकते हो, ये सॉल्यूशन है। फिर एस्टिमेटिंग मेथड, ओके, एस्टिमेशन मेथड में कुछ है नहीं। ओके, जैसे कि देवांशी हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ अ क्लोथ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, शी नोज दैट शी वांट्स टू नो वेदर शी कैन मेक अ हैंडकरचीफ ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की हैंडकरचीफ बना सकती है, 15 का स्क्वायर तो 225 होता है। ओके, तो वो बना सकती नहीं, उसके पास कितनी है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही हैंडकरचीफ है, तो वो कौन सा बना सकती है, तो 15 से छोटा 14 का स्क्वायर तो वो नहीं बना सकती, 13 का स्क्वायर 169 वो भी बना सकती नहीं है, फिर जो 12 का स्क्वायर 144 वो भी बना सकती नहीं है, पर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का कट जो होगा वो काट देगी एरिया, तो उसके स्क्वायर हैंडकरचीफ बन सकती है, क्योंकि पीस ऑफ क्लोथ बढ़ सकता नहीं है पर कम जरूर हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखो, मीना एंड शोभा प्लेड अ गेम, वन टोल्ड, तो 125 किसके बीच में आएगा, 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में आएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, मीना एंड शोभा प्लेड अ गेम, वन टोल्ड अ नंबर एंड अनदर गेव द स्क्वायर रूट। ओके, तो वो 25 एक ने बोला सी शेड 25, तो शोभा ने आंसर दे दिया 5, फिर शोभा बोली 81, तो मीना ने आंसर दिया 9, तो इट वेंट टिल मीना गेव नंबर 230, तो मीना ने 250 नंबर दिया, तो शोभा ने क्या बोला कि वो तो आंसर तुरंत नहीं आ सकता, तो चलो उसने एस्टिमेट किया, तो एस्टिमेट क्या किया, तो 100 का स्क्वायर होगा वो कम होगा, और 101 का 100 स्क्वायर का कितना होगा, 100 का स्क्वायर 100, फिर 250, फिर 400, तो रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 एंड रूट ऑफ 400 इज
20 तो उसके बीच में आएगा, तो चलो उससे भी नज़दीक जाते हैं, तो 15 का रूट 225 और 16 का रूट 256 तो इसके बीच में आ जाएगा। उससे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है दोनों से, 225 है या 256 है, तो क्लोजेस्ट 256 है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका स्क्वायर मतलब नज़दीकी इसका स्क्वायर होगा वो 16 के नज़दीक होगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके, हमने अप्रॉक्सीमेशन लगाया है और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है 6.4। ओके, वी विल सॉल्व फ्यू ऑफ दिस सम्स, ये आपको सॉल्व करने हैं अपने आप। हम कुछ सम्स सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपकी, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।